हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Vivo Y01 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है नोटिफिकेशन मेथड सेटिंग को अपना चेंज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये नोटिफिकेशन मेथड सेटिंग जो है चेंज होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करेगी, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज में आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस, इसे सेलेक्ट करना है। इसके अगले पेज में आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा ये स्टेटस बार का, स्टेटस बार पे सेलेक्ट करना है। इसके अगले पेज में आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा नोटिफिकेशन मेथड का, इसे सेलेक्ट करना है। ये आपका नोटिफिकेशन मेथड का एक छोटा सा पेज ओपन होगा। इसमें आपको नीचे की साइड ये तीन ऑप्शन दे रखे हैं, तीन में से आपको ऊपर की साइड के दो ऑप्शनों का आपको यूज करना है चेंज करके। देखिए, एक तो आइकन का और एक ये नंबर का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों ऑप्शन आइकन और नंबर कैसे काम करते हैं मैं आपको ये बता देता हूँ, तो आप अपने बाद में जो है ना इसे आप चेंज करके यूज कर सकते हैं। देखिए, आइकन पर अगर सिलेक्टेड रहता है तो ये सेटिंग कैसे काम करती है कि अगर आपके मोबाइल फोन पे कभी भी नोटिफिकेशन आता है ना, तो वो जिस ऐप का नोटिफिकेशन होता है उस ऐप का आपको आइकन दिखाई देता है कहां पे, ये सबसे ऊपर स्टेटस बार में, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। ये स्टेटस बार में आपको ये आइकन दिखाई देगा जिस ऐप का नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है, उसका आइकन दिखाई देगा उस ऐप का। तो यहाँ पर ये ऐसे काम करती है आइकन पे सिलेक्ट रहने से, अगर आप इसे नंबर पे सिलेक्ट करेंगे नंबर के सामने सर्कल पे, तो आपकी सेटिंग चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब ये देखिए कैसे काम करेगी कि आपके मोबाइल फोन पे जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे ना, तो उन सभी नोटिफिकेशन की टोटल काउंटिंग आपको है ना, टोटल गिनती आपको स्टेटस बार में दिखाई देगी, जैसे यहाँ पे चार लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से सेटिंग आपकी काम करती है, आपकी नोटिफिकेशन मेथड सेटिंग, आप इसे चेंज करके इस तरीके से यूज कर सकते हैं नंबर पे या आइकन पे, ठीक है। अब मैं आपको इस सेटिंग को है ना ढूंढने का एक शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ आपके मोबाइल फोन में। इसके लिए आपको मोबाइल फोन का सेटिंग पेज फिर से ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर सर्च आइकन सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको सर्च बार में नोटिफिकेशन मेथड आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। इस तरीके से तो आपको जो है नीचे की साइड ये ऑप्शन शो हो जाएगा, इसे सेलेक्ट करना है। इससे क्या होता है, आपका फोन आपको डायरेक्टली सेटिंग में लेकर आ जाता है। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बता दिया है इस सेटिंग को ढूंढने का आपके मोबाइल फोन में।